माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपनी सीरीज बृहस्पति का राशि प्रवर्तन। साल 2020 में 20 नवंबर 20 को देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु से निकल के मकर राशि, जो कि इनकी नीच की राशि, कमजोर राशि कही गई है, वहाँ प्रवेश करेंगे और करीब करीब एक साल यहीं रहेंगे। जून के मध्य से अक्टूबर तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसमें खास तौर से अगस्त से अक्टूबर तक वो कुछ कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। पर मकर राशि वालों का हाल या मकर लग्न वाला है, जो अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। उस पर चर्चा करेंगे उनकी कैरियर, व्यवसाय से लेके धन से लेके पारिवारिक जीवन से लेके स्वास्थ्य से लेके पिता पुत्र शिक्षा सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि मकर राशि में क्यों नीच के होते हैं। देखिए, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में दसवें घर की राशि है, दसवां घर चकाचौंध का, सत्ता का, नाम का, प्रसिद्धि का, जय जयकार का, और एक योगी, एक धार्मिकता में जुड़ा हुआ एक ऐसा योगी जिसे जीवन से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो अपना जीवन दूसरे को सन्यासी निछावर करता आ रहा है, जिसे जीवन से कोई आर्थिक लगाव नहीं है, सिर्फ कार्मिक लगाव है कि अच्छे कर्म करके जन सेवा करनी है, धन सेवा के नाम पे कुछ नहीं लेना है। वो जब दसवां घर काल पुरुष की कुंडली में पृथ्वी तत्व की राशि में, जो कि पृथ्वी के सुखों को दर्शाती है, नाम शोहरत पैसा दिखाती है, वहाँ आते हैं तो विचलित हो जाते हैं। ये उनका वो घर नहीं है जहाँ पर शांति से वो ध्यान मग्न होकर दुनिया के लिए कुछ कर सकें, जैसा कि गांधी जी ने किया, जैसा कि विवेकानंद जी ने किया। बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ सत्ता, नाम, शोहरत, पैसे, पद, लाल बत्ती, मंत्रालय, मंत्री के लिए नहीं जिया, जनता के लिए जिया, समाज के लिए जिया। बृहस्पति सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता कहे गए हैं। जो ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, जैसे जयप्रकाश जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब की अगर आप कुंडली उठाएंगे, बृहस्पति बहुत मजबूत है और इसी वजह से ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए, स्वामी विवेकानंद जी, और ख़ास तौर से इनका नाम इनके मरणोपरांत भी अमर है। तो इसलिए मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, जो कि खास तौर से कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं, नाम शोहरत धन पैसा रेपुटेशन सब देते हैं जो कि उन्हें चाहिए ही नहीं, इसलिए वहाँ आके वो कमज़ोर हो गए। क्योंकि अगर यहाँ मजबूत होंगे तो इसमें लिप्त हो जाएंगे और इस राशि से अगर अपनी दूरियाँ बनाए रखेंगे, इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो आर्थिक पक्ष है वो इस ग्रह को खराब नहीं करेगा। तो समय को ना जाया करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लोगों के मन में उठ रहा है कि भाई, मकर राशि में नीच के होते हैं तो क्या मेरी राशि या मेरे लग्न के लिए खराब होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ शनिदेव महाराज नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं, पूरे साल कोई समस्या नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ ये तीन नक्षत्रों से गुजरेंगे। देखिए, आप राशि पर तो बहुत फोकस करते हैं, नक्षत्र देखना भूल जाते हैं। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, राशि तो 12 ही है, नक्षत्र 27 है, और ख़ास तौर से उनमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा होता है। तो ये सूर्य के नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के एडवाइज़र हैं, चंद्रमा के पति हैं, मंगल के कहीं ना कहीं एडवाइज़र हैं, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, तो तीनों के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, ज्योतिष के टर्म में बोलूँ अगर तो। इसलिए ये गोचर ठीक जाएगा और नीच भंग राजयोग होने की वजह से जो राशि की कमजोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नक्षत्र में तो कमजोरी है नहीं, सिर्फ राशि में कमजोरी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको समझना होगा, राशि, नक्षत्र, घर, बहुत कुछ होता है, उन सब का समावेश करके राशिफल निकलता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो चलिए, आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट, फेसबुक पे, ट्विटर पे टाइप करते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले कैरियर और व्यवसाय की बात। तो कैरियर और व्यवसाय में खास तौर से पहले उस पे आऊं, लेकिन ये बता दूं, आपके लग्न में बैठेंगे और 12वें घर और ख़ास तौर से तीसरे घर के स्वामी होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पराशर शास्त्र ने, ऋषि पराशर जी ने लिखा हुआ है
ज्योतिष शास्त्र में अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए, बेशक वो नीच का हो या तो नीच भंग भी बन रहा है, तो भी कुंडली के 1,00,000 दोष दूर करता है। और मेरा अनुभव है ये सत्य है, 100% सत्य है। तो इसलिए डरने घबराने की तो बात ही नहीं है। कुछ लोग डराएंगे कि आपके 12वें और 3रे घर के स्वामी जो भी अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग, लग्न का बृहस्पति, इससे ज्यादा क्या। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। लग्न से बैठ के पंचम में देखेंगे, मतलब लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, पुत्र स्थान को देखेंगे, धन स्थान को देखेंगे, लव अफेयर्स को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे, मैरिज को देखेंगे, व्यवसाय को देखेंगे, 9वें घर को देखेंगे, धर्म स्थान को देखेंगे, पिता को देखेंगे, धार्मिकता को देखेंगे, ये विदेश यात्राओं को देखेंगे, इन सबसे लाभ होगा। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैरियर व्यवसाय निश्चित तौर पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है, तब सफलता थोड़ी मिलेगी। ये साल चप्पल घिसने का साल है, लेकिन गारंटी से कह रहा हूँ, पैसे मिल जाएंगे, शोहरत मिल जाएगी, लेकिन मेहनत मत छोड़ना। शॉर्टकट अपनाया, नंबर 2 का काम अपनाया, ये साल वो साल रहेगा जहाँ पे शनि की 7.5 और बृहस्पति आपको बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। तो धार्मिकता, नैतिकता, सत्यता मत छोड़ना, कहीं भी कुछ नहीं होगा, बाल विवाह का नहीं होगा। कैरियर में मेहनत बहुत करनी होगी, प्रमोशन अटकते दिख रहे हैं, देर से मिलेंगे, अक्टूबर के बाद मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। नौकरी में बदलाव फरवरी से जून के बीच दिख रहा है, लेकिन सोच समझ के बदलना, किसी से सलाह लेने के बाद बदलना। कोई भी नौकरी में लिया गया डिसीजन जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे। नौकरी के लिहाज से विदेश जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्रा वाली नौकरी मिल सकती है। नौकरी के लिहाज से अधिकारी वर्ग से तो खूब सहयोग मिलेगा, लेकिन सहकर्मी पीछे घसीटेंगे। खास तौर से धन का उतना जितना आप नौकरी से उम्मीद कर रहे हैं शायद उतना ना आए, तो यहाँ पर भी धैर्य रखना होगा। कैरियर के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से धैर्य ही एकमात्र कुंजी है सफलता की इस साल के लिए। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय में बहुत बढ़िया है, हर काम बनेंगे, नया व्यवसाय खुलेगा, आसानी से व्यवसाय में तरक्की करेंगे, जीवन में सफलता पाएंगे, जहां हाथ डालेंगे लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, लोग लाभ पहुंचाएंगे, खास तौर से आसानी से नया बिजनेस रन होगा, वो स्टेब्लिश भी हो जाएगा। हर बिजनेस में बस याद रखिएगा, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेके ही आगे बढ़िएगा। अब बात कर लेते हैं धन के मामलों की। खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं, पैसा आएगा लेकिन खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं, रोग में, स्त्री में, तीसरी स्त्री में, बाहर की स्त्री में, वोमेन वाइन में, नॉनवेज में, इन सब पे कंट्रोल करता बनता है, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। धन के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से समय सही है, खास तौर से शेयर मार्केट में, लेकिन घर, गाड़ी, बंगले का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर जून तक करिएगा, उसके बाद नहीं करिएगा, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे। ना कर्जा लेना है, ना कर्जा देना है, ना पैतृक प्रॉपर्टी बेचनी है, ना पैतृक प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। पैतृक विवाद से, पड़ोसियों के विवाद से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन में कुछ लाभ मिलेगा, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, उसी के साथ साथ जीवन साथी की आमदनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तनख्वाह बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उनका व्यवसाय या नौकरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खास तौर से अगर बात करें तो खास तौर से पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के सहयोग आपस में खूब मिलेगा, लेकिन प्रेमी प्रेम का आपको थोड़ा बहुत अलगाव झेलना पड़ सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोई तीसरा आपके रिश्ते को तोड़ सकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी बनता है। अब बात करें स्वास्थ्य के मामले की। स्वास्थ्य में स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा ध्यान देना है। छोटी मोटी बीमारी नज़रअंदाज नहीं करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्पाइन से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड समस्या बढ़ सकती है, उस पर फोकस रखिएगा। डायबिटिक जो लोग हैं उनकी भी समस्या बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉनवेज, ऑयली खाना,
वाइन की वजह से स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, पुत्र के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। संतान पक्ष की बात करूँ, लाभ मिलेगा, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं आसानी से कंसीव कर सकते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती दिख रही है, अच्छी संतान की प्राप्ति होती दिख रही है। खासतौर से रिसर्च वर्क में लाभ मिलेगा, यात्राओं में, विदेश यात्राओं में, विदेशों से खासा लाभ इस साल दिख रहा है। अब बात भाई उपायों की, क्या कर सकते हैं जिससे कि जीवन बेहतर हो और जो छोटी मोटी मैंने समस्या बताएं वो भी छूमंतर हो जाए। नारायण कवच का पाठ करना है हर बृहस्पतिवार। उसी के साथ साथ किसी कन्या का अगर विवाह हो पा रहा है आपके आसपास, अगर आपका सामर्थ्य है, आपके परिवार में है, तो उसे स्वर्ण में कुछ दान कर दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। शनि की साढ़े साथी से भी लाभ मिलेगा। अगर आपकी सामर्थ्य इतने करने की नहीं है तो 11 किलो गुड़ उस कन्या के विवाह में या 11 किलो लड्डू पीले बेसन के या बूंदी के दे दीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो ये छोटा सा काम कर लेने से बड़े लाभ मिलेंगे। बस अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो स्लो की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है ना उसे बढ़ा दीजिए। आज के लिए फ़िलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।